तो हमने कल पढ़े थे अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इसके आगे जो है हम अब शुरुआत करते हैं। कल इनके बारे में हमने जो है मोटा मोटी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम जो है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हेडिंग लगाइए आयनिक ठोस। आयनिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें आयन उपस्थित हो, आयन उपस्थित हो, ठीक है। तो आयन कौन से हो सकते हैं, आपने जो है आयनिक यौगिक का सामान्य सा उदाहरण हम जो है पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं NaCl, नमक। तो ये क्या करता है कि जैसे ही जल में इसको घोलते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस दो प्रकार के धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस तो कहने का मतलब यह हुआ इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, यानी आयन जो है इसके अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब यानी जिन कणों से ये मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या होता है, अवयवी कण। इसके बाद आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी जिसको क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स या कहते हैं अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं। तो लिख सकते हैं हम इसी स्थिर वैद्युत, इसी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। एक बात हमने पढ़ी होगी भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कोयले को, जैसे मान लीजिए आप कोयले को हल्की सी चोट मारेंगे तो वो टूट कर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसी प्रकार नमक का जो क्रिस्टल होता है उसको अगर आप हल्की चोट मारोगे हथौड़े से तो वो टूट कर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो टूट कर बिखरने को ही हम क्या कहते हैं, भंगुर प्रकृति, यानी उस पदार्थ की क्या है, भंगुर प्रकृति। तो ऐसा इसमें हम लिख सकते हैं कि ये ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो हमने देखा है कि ये ठोस किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। एक अन्य पॉइंट मैं यहाँ इधर इस तरफ नोट कर रहा हूँ, इसके आयनिक ठोस के ही हैं अन्य पॉइंट। इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का
सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, परंतु क्या ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे? तो हम कहेंगे कि ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। इसके पीछे हम क्या उदाहरण दे सकते हैं कि हमारा जो नमक है उसको अगर आप साधारण नमक आपके डिब्बे में पड़ा है उसके अगर आप उसके अंदर करंट प्रवाहित करोगे तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन उसी नमक को अगर आप जल में घोल दोगे तो उसमें करंट प्रवाहित होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आई बात समझ में? अब एक पॉइंट और देख लेते हैं हम। एक ये जो है गैसीय अवस्था में अगर हम इनको ले जाना चाहें तो ये गैस अवस्था में जाने के पश्चात क्या हो जाएंगे? अपने मूल स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों में रूपांतरित हो जाएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये गैसीय अवस्था में जाने पर अपने मूल स्वरूप को छोड़कर ये गैसीय अवस्था में जाने पर अपने मूल स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अन्य पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें हम इसी पॉइंट का उदाहरण, NaCl जो नमक होता है की वाष्प जो है वायु की नमी के साथ क्रिया करके, वायु की नमी के साथ क्रिया करके किसमें बदल जाती है? NaOH व HCl में बदल जाती है। तो ये बात आप इनको दो तीन बार पढ़ोगे इन पॉइंट्स को तो आपके ये प्रश्न आएगा कि आयनिक ठोस कैसा होता है। तो हम जो है मुख्य मुख्य बातें जो हैं इसमें ये बता सकते हैं कि आयन उपस्थित होते हैं और इनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यानी जो इनको जोड़े रखता है। अब ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल की बात करें तो ये क्यों उत्पन्न होता है? तो ये जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल दो आयनों के मध्य जो उपस्थित आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, उसकी वजह से ये उपस्थित होता है, क्योंकि दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए जो है ये इसके जो आयन है वो पास पास आ जाते हैं, इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं? अत्यधिक कठोर हो जाते हैं। ये इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ही ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। इन ठोस की प्रकृति कैसी होती है? भंगुर होती है। इनका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी आप नमक को पानी में घोल दोगे तो वो विद्युत का चालन करेगा, लेकिन ठोस नमक नहीं करेगा। इसके बाद कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न भी बनता है इसके ऊपर कि क्या होता है जब NaCl की वाष्प को नमी के साथ क्रिया कर लेती है, या ऐसे कह सकते हैं कि NaCl जो है वो गैसीय अवस्था में कैसा होता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आप इसका उत्तर क्या दोगे कि NaCl की वाष्प नमी के साथ क्रिया करके NaOH और HCl में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद अगला जो है आपका, जिसको हम बोलते हैं धात्विक ठोस,
तो ये जो है अगले पॉइंट्स पर आते हैं हम, धात्विक ठोस। तो अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस तो आप बुक में भी इसको आसानी से पढ़ के पढ़ सकते हैं, फिर जो समझाया जा रहा है उसको समझ लें एक बार में ही, बार बार इसको पढ़ें, वीडियो को देखें, इसे आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा है धात्विक ठोस, नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें धातु जरूर होगी। तो इसके अवयवी कण जो हैं वो कौन होंगे, धात्विक धातु आयन, अवयवी कण धातु आयन होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं, धातु आयन होते हैं। और आयन कौन से, किस प्रकार के आयन, धातु आयन कौन किस प्रकार के होते हैं, धनायन, यानी धातु आयन भी कौन से होंगे, धनायन। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपके पास सोडियम धातु का एक टुकड़ा है, क्योंकि लैब में आपने कई बार देखा होगा, सभी बच्चों की रुचि का विषय रहता है सोडियम धातु, अपने हाथ में लेना देखना, जो ज्वलनशील होता है इसलिए। तो मान लीजिए धातु का जो टुकड़ा है उसके अंदर Na+ इस तरह से क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब ये प्रश्न सबके दिमाग में उठता है कि सारे प्लस प्लस आयन हैं तो इसके मध्य आकर्षण कैसे होगा, तो इसका जवाब ये होता है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन था तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, इस मान लीजिए हम इसको यहाँ बनाते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर इसने सोडियम परमाणुओं ने क्या कर दिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ बीच में आ गए, ठीक है। इस प्रकार से Na+ और ये सब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, सोडियम पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। तब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक से अधिक आयनों से आकर्षित होगा और ये आयन भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों से आकर्षित होंगे। इस तरह से क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आकर्षण का एक जाल बन जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, ये एक धात्विक ठोस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए सोडियम तो मुलायम होता है, लेकिन आपकी आयरन की बात करें तो उसके अंदर जो है वो Fe+3 का, मोस्टली +3 का होता है। तो +3 यानी कहने का मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए अपना लोहा सोडियम से ज़्यादा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। बाकी कठोरता के और भी कारक होते हैं, अकेला इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारक होते हैं यहाँ पे धातुओं की बात की जाए तो। पर कुछ हद तक जो है हम इसको समझा सकते हैं कि ये इतना मुलायम है, ये इतना कठोर क्यों है, तो इसका कारण है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आकर्षण ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो जो है आयन पास पास में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पास में होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कठोर होगा। बात क्लियर हुई, तो हम आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद जो है हम अगला पॉइंट देख सकते हैं, इसके बाद ठोस अवस्था में भी इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त विचरण करते हैं, मुक्त विचरण करते हैं। इस डायग्राम को देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री आराम से घूम रहे हैं, एक से दूसरे सोडियम के साथ अट्रैक्शन बनाते हुए, यानी एक बार इधर इस सोडियम परमाणु से, एक बार इससे, यानी बार बार जो है अट्रैक्शन बना रहे हैं। सो सभी से अट्रैक्शन बना रहे हैं, आराम से मुक्त विचरण कर रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आपने ग्रेफाइट के बारे में बहुत बार सुना होगा कि ग्रेफाइट विद्युत का
सुचालक होता है। तो ये आगे आएगा नेटवर्क ठोस में कि क्यों होता है, पर आपने ये कारण जरूर पढ़ा होगा, उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी जो है इस तरह सोडियम के इलेक्ट्रॉन हैं या अन्य जो धातुएं हैं उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं, ये धातुएं क्या होती है, विद्युत के सुचालक, यानी कहने का मतलब विद्युत का चालन करते हैं। जिसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है, अगर हम इसके ऊपर विभव, विभव का मतलब यानी बैटरी जोड़कर धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर पर होगा, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो हम कह सकते हैं अगर इन पर विभव आरोपित किया जाए, अगर इन पर विभव आरोपित किया जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, अगर इन पर विभव आरोपित किया जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं। इसी कारण हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसके बाद धातुओं के कुछ गुण आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, क्या होते हैं, धातुएं तन्य, तन्य का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीय, तन्य का मतलब क्या होता है, यानी खींच कर इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, सोने से जो है वो बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय पीट पीट कर चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धातुएं तन्य, आघात वर्धनीय, वह धात्विक चमक युक्त होती है, क्या होती है, धात्विक चमक युक्त होती है। कैसी होती है धातुएं, धातुएं जो है वो आघात वर्धनीय, तन्य, धात्विक चमक युक्त होती है। धात्विक चमक मतलब इसकी खुद की अपनी क्या होती है, चमक होती है। आप लोहे को काटोगे तो उसके अंदर जो है एक अलग तरीके की चमक होगी, ऊपर तो जंग आया हुआ होता है, अंदर से जो है वो इसकी चमक होती है, चांदी की चमक, आपने सोने की चमक देखी होगी। तो इस प्रकार इनमें ये गुण पाए जाते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं ऊष्मा की। आप लोहे को या किसी धातु को अगर गर्म करोगे तो एक छोर को गर्म करोगे तो दूसरा छोर भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आपको गर्म मिलेगा। तो इसका कारण क्या है कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन होता है। तो लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्या लिख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती है, क्या होती है, ऊष्मा की भी सुचालक होती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आराम से जो है इसका प्रश्न हल कर सकते हैं। बात रही उदाहरण की, उदाहरण आप बहुत सारे देखते हैं, एक तो हमने सोडियम लिखा ही है, इसके अलावा आप लिख सकते हो पोटेशियम, आयरन, कॉपर, AU, AG, इस तरह से कई उदाहरण हम बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। हम इनको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, सहसंयोजक क्यों कहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आप क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि इनके अवयवी कण
अधातु परमाणु होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। आपको उदाहरण देते ही आप समझ जाएंगे, हीरा ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन होता है उसके अंदर, और वो क्या होती है, कार्बन अधातु होती है, इसलिए इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है, ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। क्यों होते हैं, इसका कारण देखते हैं, क्योंकि क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क होता है, विशाल नेटवर्क होता है। ये इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा इसी इन्हीं में पाया जाता है। तो इतने विशाल नेटवर्क के कारण जो है, ये सहसंयोजक बंधों के नेटवर्क के कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क होता है। ठीक है, इसी सहसंयोजक बंध के कारण जो है इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। क्यों, क्योंकि सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो लिख देना, सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रवृत्ति होने के कारण ही क्या होते हैं, निश्चित ज्यामिति युक्त होते हैं। इसी कारण ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, यानी किसके कारण, सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। पहली बात तो इसमें सहसंयोजक बंध होते हैं, फिर दूसरी बात सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, फिर तीसरी बात क्या होती है कि इसी दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं, ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या क्या होता है, हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड आदि, यानी ये जो है वो प्रकृति के अंदर कठोर पदार्थों के अंदर आता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति का, एक्सेप्शनली, या आप अपवाद तो नहीं कह सकते, यानी इसका भी एक कारण है कि ये जो है इस बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, आपकी कच्ची पेंसिल की जो ग्रिप होती है उसके अंदर ये होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुलायम चिकना होता है, ये भी पढ़ेंगे क्यों होता है। हीरे की जो है ज्यामिति आपने देखी होगी, चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये जो हैं एक विशेष ज्यामिति वाले होते हैं, निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ठीक है, अब एक विद्युत चालन की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट को छोड़कर ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। अब ये ग्रेफाइट को क्यों छोड़ दें, क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होगी। एक इसके बारे में ये भी पढ़ते हैं कि ये मुलायम होता है, कौन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम,
वो मुलायम नहीं, मुलायम सिंह नहीं, ये मुलायम होता है, मुलायम मतलब नरम होता है, चिकना होता है, इसकी जो है फिसलन या इसको क्या करते हैं कि एक प्रकार से चिकनाई बनाने के लिए यानी चिकनाई युक्त करने के लिए जो है कई गाड़ियों के पुर्जों में वगैरह इनको यूज़ किया जाता है, चिकनाई डा करने के लिए मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उसमें चिकनाई लाने के लिए। तो इतना मुलायम क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी जो षटफल की आकृति है उसकी जो परतें होती है वो कमज़ोर दुर्बल बंधों से बंधी हुई होती है, तो वो एक दूसरे पर क्या रहती है, फिसलती हुई रहती है, इसलिए क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क ठोस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारा आधार क्या था, पहला विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब अगला आधार जो है वो क्या होगा आपका, ज्यामिति, जो ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्या होगा, ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अगला देखते हैं, ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इस वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ठोस, यहां से प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, 1% 100% आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं अमोर्फस, क्या बोलते हैं, अमोर्फस, दूसरा नाम क्या होता है, अमोर्फस। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, कैसा शब्द होता है, ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना, आकृति नहीं होना, क्या अर्थ होता है इसका, आकृति नहीं होना, यानी इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसलिए इनको अमोर्फस भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि इन अमोर्फस किसका नाम होता है। ठीक है, तो बाकी जो है हम इसकी बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर जो है वो हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर देखते हैं, तो सबसे पहले जो है क्रिस्टलीय ठोस की बात कर लेते हैं अपने। इसमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, अणु, परमाणु, आयन आदि कह सकते हैं अवयवी कण, एक निश्चित त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, क्या होते हैं, इसमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, जबकि इसकी बात करें तो इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी जितनी भी में ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होती है, क्रिस्टलीय में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनमें दीर्घपराशी व्यवस्था पाई जाती है, इनमें दीर्घपराशी व्यवस्था पाई जाती है, और इसमें कहें तो क्या होती है, लघु पराशी व्यवस्था पाई जाती है, इनमें क्या होती है, लघु पराशी व्यवस्था पाई जाती है। अब दीर्घपराशी और लघु पराशी क्या होते हैं, दीर्घपराशी का अर्थ क्या होता है, यानी लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था,
यानी मान लीजिए आपने ये यहाँ पर ये बनाया, ये इस तरीके के बॉक्स जो है वो इसी प्रकार से चलेंगे इस तरह से। या हम इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे ए ए ए इस तरीके का कोई पैटर्न चल रहा है परमाणुओं का, ये व्यवस्था काफ़ी लंबी चले, ठीक है, लंबी चले। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एक व्यवस्था लगातार चलती आ रही है, लगातार एक जैसी व्यवस्था चल रही है, तो ये जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ परासी। जबकि लघु परासी का मतलब क्या हुआ कि ए बी ए बी और जाके ख़त्म हो गई बी, ठीक है, बी इस तरह से, फिर कहीं ए ऐसे अव्यवस्थित हो जाती है, यानी लंबे देर तक नहीं, काफ़ी दूरी तक जो है ये अणुओं की जो व्यवस्था है वो ज्यामितीय व्यवस्था नहीं चलती है, उसको हम कह सकते हैं लघु परासी, और ये क्या हो जाएगी, दीर्घ परासी। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये इसकी परिभाषा भी है कि इसमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था में नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा भी हो सकती है।